में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, अपने अधिकार के लिए कोई भी प्रदर्शन करने का शांतिपूर्वक, तो उसमें कोई वो नहीं है। और जैसा अभी मुझे जानकारी दी आप लोगों ने कि पूरे प्रदेश में बहुत ही शांतिपूर्वक के सारा आंदोलन रहा, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभ संकेत है। देखिए, ये जो कृषि कानून है ना जी, ये सारे के सारे किसान के हित में, आंदोलन पूरी तरह किसान के खिलाफ है। मतलब ये किसान के द्वारा ही किसान के खिलाफ आंदोलन चलाया जा रहा। अब इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं वो अलग बात है। जैसे आपने पहले CAA के बारे में देखा कि CAA के बारे में जिस प्रकार से सारी गलतफहमियां पैदा करी, वैसे ही इस आंदोलन में भी टोटली गलतफहमियां। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और चार आदमी जो उन्होंने नियुक्त किए ना, जिनके साथ किसान से कहा कि आप उनके साथ डिस्कशन करो, कोर्ट का कहना यह था कि कृषि के बारे में हमारी नॉलेज इतनी नहीं है जितनी इनकी नॉलेज है, तो ये क्योंकि इस चीज़ के विशेषज्ञ हैं, आप इनके सामने अपनी बात रखो, डिस्कशन करो और उसके बाद फिर हम इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन किसान नेताओं ने सारे सारे जो भी हैं आंदोलन के नेता जो हैं, उन्होंने कह दिया हम इनसे बात नहीं करेंगे। जो वर्ल्ड क्लास आदमी है वो आप गूगल पे निकाल के देख लो, कोई मेरे थोड़ी हमारी पार्टी के थोड़ी है, वर्ल्ड क्लास आदमी है जिन्होंने किसानों के ऊपर सबसे बढ़िया काम किया, ऐसे आदमियों को सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया कमेटी में। लेकिन उन्होंने कह दिया कि तुमसे बात करना, बात कैसे करें क्योंकि कहीं कमी नहीं है। अब सरकार बार बार कह रही है क्लॉज बाई क्लॉज बात करो, आपको कोई क्लॉज गलत लगती है तो आप हमें बताओ, उस क्लॉज को चेंज कर देंगे, लेकिन उसमें बात नहीं करते। अभी कल मेरी भी डिस्कशन थी, मैंने भी यही बात कही कि भाई आप कानून में कमी बताओ, कानून में कमी नहीं बताते, बस एक बात कह रहे कि अडानी अंबानी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। कैसे कर लेंगे कब्जा, कैसे कर लेंगे उसका कुछ नहीं है, अडानी अंबानी कैसे कब्जा कर लेंगे। अब स्टॉक जो स्टॉक करने की जो परमिशन मिली उस पर कहते हैं ब्लैक हो जाएगी, गरीब को मार देंगे, कैसे ब्लैक हो जाएगी। भाइयों, जब ये कानून बना था स्टॉक पे रोक लगाई थी, तब इस देश में उत्पादन कम था, आबादी ज़्यादा थी, यानी कि अगर हमने 100 क्विंटल अनाज चाहिए था तो हमारे पास 70-75 क्विंटल अनाज था, इसलिए लोग ब्लैक कर लेते। आज हमारे पास अगर 100 क्विंटल हमें चाहिए तो आज हमारे पास 250 क्विंटल से भी ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर हम प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित करते हैं तो निश्चित तौर से इसको किसान को ही लाभ है इसका, क्योंकि जिस प्रकार से आज गेहूँ सड़ रही है या कहीं ख़राब होने लग रही है, वह ख़राब नहीं होनेगी। अब अभी सेलो गोदाम स्टोर बनाए गए तो उस पर इतराज कर दिया कि साहब ये तो अडानी ने बनाए लिए, ये तो हमारे टाइम में बने, हमारे से पहले बनते रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्हें गलत बनाए, उन्हें भी ठीक बनाए। अगर अच्छे गोदाम ऐसे आते हैं कि जिसमें अगर आपने स्टॉक कर दिया और वो 3 साल 4 साल 5 साल तक भी ख़राब नहीं होता, तो उसमें नुकसान है कुछ? ये एक संपदा है हमारी, वो ठीक ठाक रहेगी तो उसका फायदा है। लेकिन उसकी भी आलोचना करनी शुरू कर दी गई, वो गोदाम बनाए दिए, गोदाम बनाने से कब्जा कर लेगा वो, तो ये झूठ पकाने का काम है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कह दिया कि किसानों की जमीन पे कब्जा कर लिया, कैसे कर लिया कब्जा, कोई कब्जा नहीं कर सकता। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जरूरी है क्या? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई जरूरी नहीं, वो तो एक ऑप्शन दिया आपको, अगर आप करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो ना करो। अगर आप करना चाहोगे तो आपके हित के कानून बनाए दिए, क्योंकि सरकार की ड्यूटी है कि जो कमजोर आदमी है उसका कोई शोषण ना कर सका। शोषण में सबको कमजोर का होगा, चाहे वो शरीर से कमजोर हो आदमी और चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, ताकतवर आदमी चाहे वो शरीर से हो चाहे पैसे से हो, वो उसका शोषण करेगा। तो सरकार की ड्यूटी क्या है कि शोषण को रोकना सरकार की ड्यूटी है। तो सरकार ने अपनी ड्यूटी पूरी करी, एक कानून ऐसा बना दिए, कुछ उन्होंने नियम बनाए दिए कि भाई ऐसे ऐसे आप कर नहीं सकते। मान लो आप उसकी पेमेंट नहीं देते तो 3 दिन के बाद आपके ब्याज सहित देना पड़ेगा। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना खड़ा कर दिया वहाँ और आप हटाते नहीं है तो आपका वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किसान का हो जाएगा। ऐसे ही और कुछ नियम उन्होंने उसके लिए बनाए दिए। मान लीजिए आपकी फसल नष्ट हो जाती है, क्योंकि अब हमारी फसल कोई ऐसी तो है नहीं कि भाई वो कहीं कमरे में होगी, हमारी फसल तो बाहर खेतों में ही है। अब ओले भी पड़ सका, पाला भी पड़ सका, बारिश ज़्यादा भी हो सका, कम भी हो सका, सारे कुछ भी हो सका, आंधी भी आ सका, झोला भी लिखड़ सका, सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार ने एक नियम बना दिया कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट करे और उसको किसान फुलफिल नहीं करता तो उसके ऊपर कोई आप फाइन नहीं लगा सकते। तो ये सारी चीज़ें उसके पक्ष ही बना दी, अगर वो करना चाहे तो करो और नहीं करना चाहे तो ना करो, ज़बरदस्ती कहाँ है। ऐसे ही मंडी का है कि भाई आप मेरे मंडी में बेच रहे थे तो सरकार ने एक छूट दे दी कि भाई आप अगर बाहर बेचना चाहो तो बाहर बेच सको। अब मान लीजिए मैंने अच्छी क्वालिटी गेहूँ पैदा करी, मेरी गेहूँ या वैसे अच्छी है, अब मैं अपने खेत में निकाल के मेरी सारा रखी, मेरी एक कोई भी व्यापारी आया वो आया जी गेहूँ बेचोगे, मैंने कहा हाँ बेचेंगे, बोले क्या रेट, बोले 2500, बोले जी MSP तो 1975 का है आप 2500, बोले मेरी क्वालिटी देख भी बढ़िया, वो मेरे साथ सौदेबाजी कराएगा, मान लो मेरी 2400 रुपये बिक जा। अगर मेरी 2400 बिका तो किसान यूनियन ने क्यों दिक्कत दे रही इस बात पर, अगर मैं 2400 बेचूँ, मेरी 2400 बिकी ठीक है, अगर मेरी 2400 नहीं बिकी 1975 तो मंडी खाई, मैं बेच ही आऊँगा, मुझे एक छूट मिल रही ना जी, अगर मेरी 2400 बिकती तो बेच लो, नहीं बिकती तो मंडी है लास्ट। तो वो एक मौका मुझे मिला, तो हर जगह मौका मिला।
कोई चीज रोकी नहीं है किसान की, एक मौका दिया किसान को, तो निश्चित तौर से 100% किसान के हित के बिल हैं और जो भी आंदोलन है पूरी तरीके से किसान के खिलाफ आंदोलन है। समाधान कैसे निकलेगा सर? नहीं, समाधान तो इसका एक ही है कि जो ताकतें इसके पीछे है ना, इस आंदोलन के पीछे जो है सारी गड़बड़ कराना चाहती है, जो आगे चल रहा ना, जो किसान है जो सामने है उसको पूरी जानकारी नहीं इसकी, और जो पिछले वाला है जो इसको लीड करने वाला मतलब चलाने वाला है सारा का सारा, उसको तो पूरा पूरा पता है, लेकिन वो तो वही है जो सीए में था, जो सीए में कह रहा था कि मुसलमानों की जो है नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और एक दिन नहीं चला, कितने दिन तक चलता रहा वो, और कितने प्रदर्शन उतरे, और नहीं अपना यादव जो थे ना सारे के सारे वहीं खड़े थे, मेगा पाटेकर और सारे सारे वहीं खड़े थे, आज यहाँ खड़े ने, आज ने किसान बन गए, उस दिन ने वो थे, नहीं केजरीवाल है नहीं सारे के सारे उसके पक्ष में थे, आज ने इसके पक्ष में, ऐसा ऐसा सिर्फ सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, और जब किसानों को इस बात का पता चलेगा कि ये वास्तविकता में हमारे पक्ष में नहीं बल्कि हमारे खिलाफ हमें ही भड़का रहे थे और हमें ही आगे करके अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे थे, तो निश्चित तौर से किसान इसके खिलाफ जाएंगे, और इन सारे के सारे जो लोग हैं इनको बख्शने वाले नहीं है। आज तो नहीं लग रहा कि नेता बन गए बहुत बड़े, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा कि आने वाले एक साल में आप देखोगे कि किसान इनका इतना जबरदस्त विरोध करेंगे ढूंढे भी नहीं पड़े कहीं। अविश्वास प्रस्ताव का बार बार जिक्र हो रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार जो है तरह से अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाना चाहती किसी तरह भी सदन में। नहीं नहीं, देखिए ये विपक्ष का राइट है, वो काल टेंशन लेके आना चाहती है, अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है, ये सारे के सारे चर्चा के एक तरीके हैं, आप किसी बात पे चर्चा करना चाहते हैं उसमें, और उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, तो ज़्यादा टाइम लेने के लिए आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं, ऐसा नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव कहीं आते हैं वो पास होते हैं अविश्वास प्रस्ताव, वो तो एक चर्चा के लिए टाइम चाहिए, तो चर्चा के लिए तो हम पहले ही तैयार हैं, हमने कब कब जवाब दिया, हम पिछली विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं। नहीं, विशेष सत्र तो हम तो सत्र बुलाने वाले हैं, अब कितनी देर है, फरवरी में तो हमने बुलाना ही सेशन, फरवरी के लास्ट तक तो हम सेशन बुला ही लेंगे, तो उसमें विशेष सत्र की क्या बात है, विशेष सत्र की जल्दी जी वो जिस किसी ने डिस्कशन करनी हो, पिछले सेशन में हमने बार बार कहा कि हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, और हमने अनलिमिटेड टाइम की बात कही, मैं दावे के साथ कह रहा कि आपको कहीं भी शायद ही कहीं मिला ऐसा कि सरकार विपक्ष को ये कहे कि अनलिमिटेड टाइम पर आपको देने के लिए तैयार हैं, आप हम अनलिमिटेड टाइम है आप बहस करो इस पे, कृषि बिल पे बहस करो, लेकिन क्यों भाग्य वहाँ से, क्योंकि तर्क नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर यहाँ बहस करेंगे और सत्ता पक्ष की तरफ से जो बातें रखी जाएंगी और वो लाइव टीवी पे जिस टाइम दिखाई जाएंगी तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, जो बकाने वाला काम कर रखा है वो सारा का सारा किसानों के सामने चले जाएगा और आप पे कुछ भी बचने वाला नहीं है, उनको सारों को इस बात का पता था, अब भी अगर वो उस पर डिस्कशन करना चाहते हैं आप देख लेना, अब भी वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, लेकिन क्यों कहेंगे मतदान करो इस पर, अभी डिस्कशन नहीं करना चाहते, ये कमाल नहीं है कि सरकार डिस्कशन करना चाहती है, विपक्ष डिस्कशन से भाग रहा, इसका मतलब साफ है कि विपक्ष के पास कुछ नहीं है कहने के लिए, कुछ भी बात विपक्ष के पास नहीं है, इसलिए विपक्ष जो है डिस्कशन से दौड़ रहा है।